दोस्तों, यह कीड़ा आपके पेट में खून पी रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह एक ऐसा परजीवी है जो पेट में रहकर अपने अंडे देते रहता है और इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है, और इसके बारे में हमें भनक तक नहीं लगती। फिर भी हमें इतना नुकसान पहुंचाने वाला यह कीड़ा एक फायदा भी पहुंचाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं इस परजीवी के बारे में। चलिए शुरू करते वीडियो को। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस कीड़े को कितना डरावना दिखता है। इस परजीवी का नाम हुकवर्म है। इसके मुंह की तरफ एक हुक होता है। इस हुक की मदद से यह परजीवी आपके इंटेस्टाइन की वॉल को चिपक जाता है और वहीं से आपका खून पीता है। फीमेल हुकवर्म अंडे देती है जो मल के साथ बाहर निकलते हैं। मल में पड़े हुए अंडे लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का पैर पड़ते ही ये लार्वा पैरों में चिपक जाते हैं। शरीर की गर्मी के कारण लार्वा में से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलते हैं। लार्वा और कीड़े इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। यह कीड़े पैर की उंगलियों के बीच की नरम त्वचा को या बाल के छोटे छोटे होल्स को छेदकर शरीर में प्रवेश करते हैं। गंदा पानी पीने से अथवा कंटामिनेटेड फूड खाने से भी ये कीड़े शरीर में प्रवेश करते हैं। एक बार शरीर में प्रवेश करते ही यह कीड़े ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लंग्स में पहुंच जाते हैं और खांसने के बाद जो म्यूकस निकलता है उसे वापस निकलने से यह कीड़े पेट में पहुंच जाते हैं। पेट में यह कीड़े बड़े होते हैं और अपने हुक से इंटेस्टाइन की वॉल को चिपक जाते हैं और खून चूसकर जिंदा रहते हैं। यहाँ पर फीमेल हुकवर्म अंडे देती है और फिर से हुकवर्म का जीवन चक्र चलने लगता है। दोस्तों मैंने यह तो बताया कि हुकवर्म का इन्फेक्शन कैसे होता है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने और एक बात बोली थी। हमें नुकसान पहुंचाने वाला यह हुकवर्म एक प्रकार से फायदा भी पहुंचाता है। दोस्तों कुछ लोगों में एलर्जिकल डिजीज होते हैं, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस प्रकार के डिजीज में पेशेंट को सांस की बीमारी होती है। ऐसे पेशेंट को धूल धुआं पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है। ऐसे पेशेंट्स धूल धुआं पोलन ग्रेन की कांटेक्ट में आते ही उनके फेफड़े में स्वेलिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस तैयार होने लगता है। इसके कारण इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इन लोगों को हमेशा इनहेलर यूज करना पड़ता है। इस प्रकार की बीमारी की कोई भी परमानेंट मेडिसिन नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर किसी के पेट में हुकवर्म की सही मात्रा हो तो उसे इस प्रकार के डिजीज में राहत मिलती है, बशर्ते पेट में हुकवर्म की सही मात्रा रखने के लिए पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू लेनी पड़ती है। तो दोस्तों यह थी हुकवर्म के बारे में कुछ जानकारी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।